हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इज नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? मीन्स विदाउट फ्लावर। इसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं, फ्लावर अब्सेंट होते हैं। और जो टेरिडोफाइटा है, सबसे लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा को हम लोग साइथिया ब्राउनी कहते हैं, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा को हम लोग एजोला कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका मेन प्लांट पार्टी होता है वो है स्पोरोफाइट्स, और इट यूजुअली कॉन्टेंस रूट, स्टेम एंड ट्रू लिप्स। और इसके पास क्या होता है? ट्रू लिप्स होते हैं और रूट और स्टेम पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? वेसल्स और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे राइनिया की, जो कि एक फॉसिल टेरिडोफाइटा है। ये किस में पाया जाता है? ग्रुप टेरिडोफाइटा, डिवीजन साइलोफाइटा, सब डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेस, फैमिली राइनिएसी और जीनस राइनिया। ठीक, तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो इसका डिस्कवरी देखेंगे, उसके बाद से इसके स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, राइजॉइड्स, एरियल सूट, एडवेंटेटियस ब्रांचेज, ऐसे बहुत चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम इसका डिस्कवरी देखते हैं। तो राइनिया इज ए फॉसिल टेरिडोफाइट विच वॉज डिस्कवर्ड बाई किड स्टोन एंड लैंग 1917 फ्रॉम राइनिया लोकेलिटी ऑफ एबरडेन्स हायर ऑफ स्कॉटलैंड। टू स्पीसीज ऑफ राइनिया आर रिपोर्टेड, नेमली राइनिया मेजर, राइनिया मेजर एंड राइनिया वैनिंग वाघानी। ठीक है, तो जो राइनिया वैगैनी वाघैनी है और राइनिया मेजर हैं, ये दो स्पीसीज बहुत ही ज़रूरी हैं इसमें, और ये रिपोर्ट किए गए हैं। और जो राइनिया है, यह एक फॉसिल टेरिडोफाइटा है। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो एक किड स्टोन एंड लैंग के द्वारा डिस्कवर किया गया है। अब देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो आप देख सकते हैं क्या है इसमें। स्पोरेंजिया पाया जाता है, फर्टाइल ब्रांच है, एडवेंटेटियस ब्रांच है, एरियल सूट है, स्टराइल ब्रांच है और राइजोम है और राइजॉइड्स है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट्स। तो इसका जो मेन प्लांट होता वाटिका हो क्या है? स्पोरोफाइट। तो अब हम इसके स्पोरोफाइट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो इसका हैबिट कैसा है? बोथ स्पीसीज ऑफ राइनिया वेयर हर्बेसियस इन नेचर। तो हम आपको दो स्पीसीज बताए थे राइनिया का, एक है राइनिया मेजर और एक है राइनिया वैनी वाघानी। ठीक है, तो ये दोनों जो स्पीसीज हैं क्या है? हर्बेसियस इन नेचर, मीन्स हर्बेसियस होते हैं नेचर में। अब हम इसका राइजोम देखेंगे। तो इसका जो राइजोम है, द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए अंडरग्राउंड सबटेरेनियस क्रीपिंग सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटमोसली ब्रांच्ड राइजोम। तो इसका जो राइजोम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, अंडरग्राउंड होता है, मीन्स जमीन में पाया जाता है, और सिलेंड्रिकल होता है, और क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला होता है। तो ये हो गया आपका राइजोम। अब हम बात करेंगे राइजॉइड्स के। तो इसके जो राइजॉइड्स होते हैं वो टफ्ट होते हैं और प्रजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ राइजोम। तो जो इसके राइजॉइड्स होते हैं वो किसके नीचे होते हैं? राइजोम के नीचे पाए जाते हैं। और इसमें रूट्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। रूट्स वेयर अब्सेंट, रूट्स यहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो राइजॉइड्स होते हैं वो राइजोम के नीचे पाए जाते हैं और यहाँ पे आपका रूट्स अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे एरियल सूट का। तो एरियल सूट क्या है? फ्रॉम राइजोम डाइकॉटमोसली ब्रांच्ड एंड लिफलेट एरियल सूट वेयर प्रोड्यूस अपराइट। द एरियल सूट ऑफ राइनिया मेजर वाज 50 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 1.26 mm इन डायमीटर। हाउएवर द स्टेम ऑफ राइनिया गुआनी वाउघैनी वाज कम्प्लीटली स्मॉलर, मेजरिंग अबाउट 20 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 1.23 mm इन डायमीटर। तो क्या होता है यहाँ पे, जो आपका जो राइजोम है क्या होता है? यहाँ पे डाइकोटमोटली ब्रांच होते हैं, लिफलेट होते हैं, और ये क्या होते हैं? अपराइट पे प्रोड्यूस होते हैं। और जो एरियल सूट होता है राइनिया मेजर का, वो 50 सेंटीमीटर का होता है, हाइड होते हैं, और ये क्या होते हैं? 1.526 mm इन डायमीटर। अब देख लेते हैं द स्टेम ऑफ राइनिया गुआनी वाउघैनी का वाज कम्प्लीटली एंड स्मॉलर, मेजरिंग अबाउट
20 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 1 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो क्या होते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जो राइनिया गुआनी वाउघैनी होते हैं। तो ये हो गया आपका एरियल सूट। अब हम बात करेंगे एडवेंटेटियस ब्रांचेस। तो इसका एडवेंटेटियस ब्रांचेस जो है, द राइजोम एंड एरियल सूट ऑफ राइनिया गुआनी वाउघैनी हैड मेनी एडवेंटेटियस ब्रांचेज। दीज ब्रांचेज डिड नॉट हैव एनी वस्कुलर कनेक्शन विथ द मेन एक्सिस एंड दे पॉजिटिवली हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जो यहाँ पे आपका राइजोम हो गया और एरियल सूट हो गया राइनिया गुआनी वाउघैनी का, तो इसके पास बहुत सारे एडवेंटेटियस ब्रांचेज होते हैं और इन ब्रांचेस के पास वेस्कुलर कनेक्शन नहीं होता है। ये मेन एक्सिस से डायरेक्टली हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो आप इसके स्पोरोफाइट्स में देखे भी थे कि यहाँ पे एडवेंटेटियस ब्रांच बहुत सारे निकले हुए थे। अब हम बात करेंगे इसके ब्रांचेस के। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस नेमली फर्टाइल एंड स्टराइल। तो यहाँ पे दो टाइप के ब्रांच पाए जाते हैं, एक होता है फर्टाइल और एक होता है स्टराइल। तो द एरियल ब्रांचेज इन ए टेपरिंग विजिटेटिव ओपन कॉल्ड स्टराइल ब्रांचेज। तो जैसे कि जो वेजिटेटिव ओपन होते हैं उसे स्टराइल ब्रांचेस कहते हैं, स्पोरेंजिया। हाउएवर द फर्टाइल ब्रांचेज पीयर सेप टर्मिनल स्पोरेंजिया। बट जो फर्टाइल होते हैं वो पीयर सेप्ट के होते हैं और वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टर्मिनल स्पोरेंजिया में। तो ये सब हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया वाज एलवेज एज वेल एज एरियल सूट वाज वेरी सिंपल एज फॉलोज। तो जो इसका यहाँ पे हम बात करेंगे टीएस ऑफ स्टेम। तो टीएस ऑफ स्टेम जनरली पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, बाहर क्या होता है क्यूटिकल, फिर होता है एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, जाइलम फ्लोएम प्रोटो। अब जो जाइलम फ्लोएम साथ में होते होते इन्हें प्रोटोस्टिल कहते हैं। फिर इंटर सेलुलर स्पीसीज हैं, फिर पैरेन्काइमस सेल होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका टीएस ऑफ स्टेम। आप इसको बना सकते हैं और आराम से इसको ड्रा कीजिए और लेबलिंग कीजिए। अब हम बात करेंगे फंगल फ्रूटिंग बॉडी। तो इसका जो फंगल फ्रूटिंग बॉडी है ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द कॉर्टेक्स ऑफ सम एरियल सूट देयर आर इंटर एंड इंट्रा सेलुलर स्पेसेस आर फाउंड विच कॉन्टेन सम फंगल हाइफी एंड इट्स फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एरियल सूट होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है इनर एंड इंटर सेलुलर स्पीसीज फाउंड होते हैं और वहाँ पे कुछ फंगल हाइफी जो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में। और ये क्या होते हैं, हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियर दैट दिस फंगल बॉडीज वेयर सिम्बियोटिक रिलेशन और सेप्रोफिटिक। बट यहाँ पे ये नहीं क्लियर होता है कि जो फंगल बॉडीज होते हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशन रखते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं। तो ये हो गया आपका फंगल फ्रूटिंग बॉडिंग। एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल वेयर अब्सेंट एंड द स्टेल वाज सिंपल प्रोटोस्टिल। तो यहाँ पे एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल अब्सेंट होते हैं और ये स्टेल क्या होते हैं, सिंपल प्रोटोस्टिल। तो स्टेल भी दो तरह के होते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक। अब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। ये हमेशा पूछा जाता है इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया वेयर बॉर्न ऑन सिंगली ऑन द एपिकल ब्रांच फर्टाइल एरियल ब्रांच। तो स्पोरेंजिया कहाँ पे बॉर्न होता है, सिंगली, कहाँ पे, एपिकल ब्रांच में जहाँ पे फर्टाइल एरियल ब्रांच होता है। तो ये स्टराइल पे तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि स्टराइल क्या होता है, वो वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट जो फर्टाइल है तो वहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही। तो यहाँ पे ये उगता है, ठीक है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वेयर ओवल पीयर शेप। तो जो स्पोरेंजिया होता है वह पीयर शेप्ड होता है, स्लाइटली सिलिंड्रिकल इन शेप। और स्लाइटली क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है शेप में। अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बना है एलियस ऑफ स्पोरेंजियम। तो ये हो गया आपका आउटर वाल, ये हो गया इनर थिन वाल, टैपिटम हो गया आपका, स्पोर हो गया। तो यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अब यहाँ पे स्पोर टेट्राड भी बनाना होता है, जो कि सिंगल स्पोर है। तो इन राइनिया होमो स्पोरस
कंडीशन वाज फाउंड, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, होमोस्पोरस कंडीशन, मतलब जो स्पोर होते हैं वो सेम होते हैं, एंड ऑल द स्पोर्स रेयर एट द सेम टाइम, और जितने भी स्पोर होते हैं वो सब सेम टाइम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ राइनिया। डिफिनिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गैमेटोफाइट ऑफ द राइनिया इज नॉट वेल अंडरस्टून, तो क्योंकि ये स्पोरोफाइट बॉडी है तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका कोई गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, नॉट वेल अंडरस्टूड मतलब अच्छे से समझा नहीं गया है। प्रोफेसर डी डी पंत 1972 प्रपोज दैट राइनिया ग्वानी वाउघैनी अपीयर्स टू बी गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ द राइनिया मेजर। तो यहाँ पे क्या थे, जो डी डी पंत थे उन्होंने बताया था कि जो राइनिया ग्वानी वाउघैनी है वह होता है गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ राइनिया मेजर। हाउएवर द गैमेटोफाइट बॉडी इज स्टिल नॉट क्लियर, बट ए गैमेटोफाइट बॉडी द्वारा क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे स्टिल होता है या नहीं। अब है इम्पॉर्टेंट नोट्स, एफिनिटीज ऑफ राइनिया कैरेक्टर सिमिलर टू लैंड प्लांट और कैरेक्टर सिमिलर टू डाइडोफाइटा, कैरेक्टर सिमिलर टू एल्गी एंड कैरेक्टर सिमिलर टू ब्रायोफाइटा। तो आप इसको नोट्स बनाइए और लिखिए, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको पता है जब आप बीएससी में हैं तो आपको तो कैरेक्टर सिमिलर टू लैंड प्लांट्स पता होना चाहिए, कैरेक्टर सिमिलर टू टेडोफाइटा मतलब क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और क्या क्या ब्रायोफाइटा से कैरेक्टर मिलते हैं। तो ये आप खुद अपने मन से सॉल्व कीजिए, लिखिए और समझिए। तो हम कुछ बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया यहाँ पे, इसका कैरेक्टर सिमिलर टू लैंड प्लांट्स मतलब क्या क्या कैरेक्टर मिलते हैं लैंड प्लांट से। द जीनस राइनिया शोज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, तो यहाँ पे कुछ जो राइनिया है वो शो करते हैं कैरेक्टर टू प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स से। यहाँ पे द एक्सिस ऑफ पेरेंट काइमेटस ऑर्गेनाइजेशन विथ एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड स्टील, तो यहाँ पे क्या शो हो रहे हैं, पेरेंट काइमेटस ऑर्गेनाइजेशन, साथ में एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स भी है और स्टील भी पाया जाता है। कौन सा स्टील होता है, तो प्रोटो स्टील। द एपिडर्मिस बियर थिक क्यूटिकल टू चेक द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है क्या करते हैं, थिक क्यूटिकल, क्यों मतलब रोकते हैं कि जो लॉस ऑफ वाटर हो ना हो, ठीक है, उसके एरियल पार्ट से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं जिससे कि और वाटर लॉस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक दिए हैं, आप इसको लिखिए और तैयार कीजिए अपना। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सिमिलर टू टेडोफाइट, तो राइनिया वाज सेवरल कैरेक्टर सिमिलर टू ऑर्डर टेडोफाइटस ऑफ लिविंग टेडोफाइटा एज फॉलो, तो राइनिया तो लिविंग क्या है, टेडोफाइटा, यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं वो बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए साइलोटम होते हैं और यहाँ पे ट्रूलिप्स और लाइक राइनिया, ट्रूलिप्स भी पाए जाते हैं राइनिया में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ कैरेक्टर जो कि टेडोफाइटा से सिमिलर करते हैं। अब एल्गी से बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो राइनिया होते हैं वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेवरल एल्गी आर रिपोर्टेड टू हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी एज राइनिया, तो यहाँ पे राइनिया की तरह एल्गी भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कुछ कैरेक्टर जो कि लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइटा और एल्गी से मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सब लिखना है और तैयार करना अपना, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइनिया को आप पढ़िए और लिखिए। आपको सबसे पहले इसका क्या लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखते वक्त कभी गलती ना करें, इस जीनस के नीचे अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेडोफाइटा। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे स्टील कितने टाइप्स के होते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।